नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं पूजा। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए, आज आबू रोड के मनमोहिनी वन में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। देश भर से भाग लेने पहुंचे कई अधिकारी। प्रशासन को सुशासन बनाने पर चर्चा। त्रिपुरा के अगरतला में संस्थान की राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट। अर्जुन पुरस्कार विजेता मंटू देवनाथ ने उपस्थित होकर बढ़ाई शोभा। माउंट आबू के ब्लाइंड स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए लगी राजयोग प्रदर्शनी। छूकर ज्ञान की गहनता को समझने का किया प्रयास। विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं चित्र। गुजरात के नवसारी में कांठा विभाग फ्रेंडशिप ट्रस्ट द्वारा कौड़ी समाज में व्यापक कुरीवाजों से मुक्ति तथा समाज उत्थान के लिए विशेष सम्मेलन। बीके गीता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण। शिक्षा और इलाज के लिए धन देना उत्तम। कर्नाटक के मैंगलुरु सेवा केंद्र पर पीयूसी एग्जाम के टॉपर्स के लिए सम्मान समारोह। 60 टॉपर्स बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान कर किया सम्मानित। बीके विश्वेश्वरी ने की उज्जवल भविष्य की कामना। टोक्यो के कंजाकी गावा में योग शिविर। 100 से अधिक शुमेकाई मेंबर्स ने किया योगाभ्यास। ब्रह्मकुमारी संस्थान का आयोजन। और बाली की राजधानी देनपसार में डायत्मिका स्कूल के स्टाफ के लिए 4 दिवसीय राजयोग शिविर। बीके जानकी ने दिया प्रशिक्षण। वहीं महेंद्र दत्त विद्यालय के छात्रों ने किया सेवा केंद्र का अवलोकन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। सरकार की नीतियों को अमल में लाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आबू रोड के मनमोहिनी वन में संस्थान के प्रशासन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से प्रशासन प्रक्रिया से जुड़े कई अधिकारी शामिल हुए। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रशासन को सुशासन बनाने के लिए कई सत्रों का आयोजन हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी शशांक शेखर, मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल, ब्रह्मकुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बी के ब्रिजमोहन, कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, प्रभाग की अध्यक्षा बी के आशा, राष्ट्रीय संयोजिका बी के अवदेश, मुख्यालय संयोजक बी के हरीश ने दीप जलाकर किया। वी शशांक ने सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में कहा कि हम अगर भारत के इतिहास का दर्शन करें तो पाएंगे कि भारत जब आध्यात्मिकता से संपन्न था तभी वो साधनों से भी संपन्न था, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आध्यात्मिकता का रास्ता अलग है और भौतिक रूप से संपन्न होने का रास्ता अलग है। हमने अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज से अपने आप को डीलिंक कर लिया। शायद हमारे एज अ सिविलाइजेशन एक गलत धारणा आ गई कि स्पिरिचुअल अलग है और मटेरियल अलग है, लेकिन उसके लिए अगर हम देखें तो हमारी सभ्यता में कभी उनको अलग नहीं कहा गया। गीता का ज्ञान भी अगर हम देखें तो वो युद्ध के मैदान पे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो स्पिरिचुअल साइंस लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमारे को एनलाइटन करती है। आगे उन्होंने कहा कि धर्म और आध्यात्म की रक्षा हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसे अपने जीवन में आत्मसात करें तो धर्म और आध्यात्म हमारी रक्षा जरूर कर सकता है। यही संदेश पिछले 82 वर्षों से देने का कार्य ब्रह्मकुमारी संस्थान कर रही है और हमें भी इनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर इनके संदेश को विश्व में फैलाने में इनकी मदद करनी चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद प्रदीप पाटिल ने भी उनकी बात को समर्थन दिया। ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे। हमको थोड़ा सा कोऑपरेशन देना है कि उनके मैसेज को हम आगे ले जाएं, जितने लोग हो सके उस तक पहुंचाएं। उसके लिए दो चीज़ें मैं सोच सकता हूं। एक तो हम खुद उसको प्रैक्टिस करें जो उनका मैसेज है, जो राजयोगा का पाथ है, और दूसरा एज ए सिस्टम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, या जो अगर हम प्राइवेट सेक्टर के भी एग्जीक्यूटिव्स हैं तो एज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम भी एंडेवर करें कि इस मैसेज को जितने लोगों तक हम ले जा सकें, जैसे हमको बेनिफिट मिला है दूसरे इंडिविजुअल्स को भी मिले, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इस मैसेज को और आगे पहुँचाएँ। श्रोतागण प्रशासनिक क्षमता के लोग हैं, उनसे विनती करता हूँ कि आप लोग जगह जगह जा करके यहाँ से सीख ले करके, जो बहनों ने त्याग करके, जो हमारे भाइयों ने, कितने भाई घर त्याग करके कई वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं और हमें तो सेवा का प्रतिफल मिल रहा है, हमारे अपने परिवार को चलाने के लिए प्रतिफल मिल रहा है। तो कम से कम प्रतिफल अगर हमें मिल रहा है तो
प्रति ठीक हो जाए। दादी जानकी ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि धन और स्कूली शिक्षा कम होने के बावजूद भी आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन के बल से पूरे विश्व में ईश्वरीय सेवा कर पाई हूँ। मैंने पढ़ाई तो 3 साल पढ़ी, स्कूल की पढ़ाई 3 साल, अभी पता नहीं कौन से टाइम पर कौन सी उम्र में पढ़ाई पढ़ी। मैंने ब्रह्मा कुमारी बन करके ये देखा तो एक परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है, पर मेरी माँ है तो परमात्मा है, बाप है तो परमात्मा है, शिक्षक है तो परमात्मा है। शिक्षाओं को धारण करने के लिए परमात्मा है। दादी के पश्चात संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने लोगों को उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया कि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की क्यों आवश्यकता है। और वहीं आगे बीके मृत्युंजय ने सभी से योगी जीवन द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में सहयोगी बनने का आह्वान भी किया। एक एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कितने और ह्यूमन बीइंग हैं जो अपनी जीवन यात्रा भी कर रहे हैं और जीवन यापन के लिए इकट्ठे होकर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। अब उसके बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसको वो कंपास जो हर आत्मा को परमात्मा देकर भेजता है, ऐसे नहीं कि हमें दिशाहीन विदाउट कंपास इस दुनिया में भेज दिया जाता है, नहीं। जैसे कोई भी शिप जब सेल करना शुरू करता है उससे पहले उसमें वो कंपास लगाया जाता है, तो हम सबको वो कंपास दिया गया, फिर उसका क्या हुआ? काम तो वही कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति स्पिरिचुअल बीइंग है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पिरिचुअल बीइंग, तो उसको बेसिकली स्पिरिचुअल कंपास चाहिए, क्योंकि वो कोई मशीन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर इमोशंस हैं, उसके अंदर कई प्रकार के एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके कई प्रकार की एप्रीहेंशंस हैं, तो वो स्पिरिचुअल कंपास से ही वो सेट रह सकता है। भारत की भविष्य के निर्माण करने के कार्य में, भारत को दैवी भूमि बनाने के कार्य में सहयोगी बनेंगे, योगी बनेंगे, पवित्र बनो, योगी बनो, बी सिंपल, बी सैंपल, बी प्योर, बी क्लीन, बी क्लियर। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की स्मृति में त्रिपुरा के अगरतला में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। यह संस्थान के खेल प्रभाग और स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा आयोजित था, जिसमें प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता मंटू देवनाथ ने उपस्थित होकर टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। बीआर अंबेडकर विद्या भवन पार्क में आयोजित इस टूर्नामेंट में पीकॉक 1, पीकॉक 2 और होली होंग 1, होली होंग 2 नामक कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई बीके सदस्य शामिल थे। होली होंग 1 टूर्नामेंट की विजयी टीम रही, जिन्हें बीके कविता ने शील्ड और सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत में मंटू देवनाथ ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की, तो बीके बहनों ने क्रिकेट खेलकर सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं उदयपुर में संस्था के राजयोगी जगदीश चंद्र हसीजा की स्मृति में किरीट विक्रम इंस्टीट्यूट में फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व कल्याणकारी और डायमंड नामक 2 टीमें थी। इस टीमों में मुख्यतः बी के सदस्य थे। विश्व कल्याणकारी इस टूर्नामेंट में विजयी रही, जिन्हें बी के बहनों ने कप और शील्ड देकर सम्मानित किया। माउंट आबू के ब्लाइंड स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए राजयोग के साप्ताहिक कोर्स की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये चित्र इस तरह से बनाए गए हैं जिससे बच्चे इसे छूकर इसकी गहनता को समझ सकें और राजयोग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित हो सकें। इस दौरान दिव्यांग बच्चों की सेवाओं के संयोजक बीके सूर्यमणि ने स्कूल के वार्डन पहाड़ सिंह को ब्रेल लिपि में लिखी राजयोग के साप्ताहिक कोर्स की बुक भी प्रदान की।
गुजरात के नवसारी में कांढा विभाग फ्रेंडशिप ट्रस्ट द्वारा कौड़ी समाज में व्यापक कुरिवाजों से मुक्ति तथा समाज उत्थान के लिए एक विशेष सम्मेलन का आयोजन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें नवसारी के 78 गांवों की महिला मंडलों की 500 महिलाएं विशेष रूप से शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कांढा विभाग फ्रेंडशिप ट्रस्ट के प्रमुख डॉक्टर रमन पटेल, स्नेह सेतु चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रमुख चेतना बिरला, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, बिल्डर हीरा भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बीके गीता ने इस दौरान कहा कि दान देना एक पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि व्यक्ति उस धन का दुरुपयोग करता है तो उसका फल दान देने वाले को भी मिलता है, साथ ही शिक्षा और इलाज के लिए धन देना उत्तम बताया। वही रमन भाई पटेल ने कहा कि आज माँ बाप को बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत है। इस दौरान अंत में सभी महिला मंडल की प्रमुख बहनों को सम्मानित किया गया। कर्नाटक के मैंगलोर सेवा केंद्र पर PUC एग्जाम के टॉपर्स के लिए सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 60 टॉपर्स बच्चों को बास्कोस PU कॉलेज के मैनेजिंग ट्रस्टी SS बास्को, मैंगलोर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर PM धर्मा, युवा वाहिनी केंद्र समिति के उपाध्यक्ष नरेश, MS हेगड़े मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर परिणीता, गीता देवदास ने सम्मानित किया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस पूरे कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग मौजूद थे। यूपी में अलीगढ़ की सत्यधाम गीता पाठशाला पर राजयोग की गहन अनुभूति करने के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए बीके रमेश मुख्य वक्ता थे और मेयर मोहम्मद फुरकान मुख्य अतिथि। इस अवसर पर मोहम्मद फुरकान ने कहा कि हमारे कुराने पाक में साफ लिखा है कि सबसे मोहब्बत करो और सबकी मदद। वहीं बीके रमेश ने उन्हें माउंट आबू आने के लिए निमंत्रण दिया। इस दौरान बीके कमलेश ने कहा कि खुश रहने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है और यहां वह निशुल्क सिखाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के उपलक्ष में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर स्थित केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों के लिए तनाव प्रबंधन एवं राजयोग मेडिटेशन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्यामनगर से राजयोग शिक्षिका बीके ऋत्विका को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। वहीं इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बीके दास भी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में बीके ऋत्विका ने किसानों को आत्म अनुभूति के साथ परमात्म अनुभूति करने की विधि सिखाई। अंत में राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। वहीं हरप्रसाद शास्त्रीय विद्या भवन में स्ट्रेस फ्री लाइफ विषय पर श्यामनगर सेवा केंद्र से बीके नेहा ने 5वीं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर स्कूल की प्राचार्य भट्टाचार्य समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। अंत में बीके नेहा द्वारा मेडिटेशन सेशन भी लिया गया। आगे सेंट्रल इनलैंड मत्स्य अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के लिए भी तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें बीके ऋत्विका ने संबोधित किया। इस मौके पर बीके ऋत्विका ने सभी को स्वयं की वास्तविक पहचान कराई, साथ ही सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इसी क्रम में आगे ब्रह्मा कुमारीज और लॉयंस क्लब द्वारा तारकनाथ बालिका विद्या मंदिर स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजीव गांधी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से डॉक्टर रामकृष्ण पार्थ, लॉयंस क्लब के HR डॉक्टर GC मोनादाल, वार्ड नंबर 3 के पार्षद विभा विश्वास एवं ब्रह्मा कुमारी से बीके खुशबू उपस्थित रहीं। इस मौके पर कई लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा देश के कई हिस्सों में चलाए जा रहे दिव्य नगरी स्लम योजना के तहत महाराष्ट्र के जयसिंहपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृष्णा गार्डन स्कूल की प्राचार्य अर्चना जगदाले, डॉक्टर राजेंद्र पाटिल, विभूति स्कूल के निदेशक भोपाल विभूति, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर अतिथियों ने संस्थान द्वारा चलाई जा रही योजना की सराहना की और कहा कि बच्चों को TV, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वीडियो गेम्स जैसी चीजों के साथ जीने की आदत है, जिससे वे अपने बहुमूल्य बचपन को खो रहे हैं। ऐसे में दिव्य नगरी परियोजना उन्हें मूल्यों के साथ जीवन जीने में मदद कर रही है, साथ ही उन्हें प्राचीन संस्कृति से परिचित भी करा रही है।
गुजरात के भरूच स्थित झाड़ेश्वर में हिकाल लिमिटेड कंपनी में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का झाड़ेश्वर के अनुभूति धाम सेवा केंद्र से बीके शिल्पी ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आत्मा के वास्तविक 7 गुणों पर चर्चा की गई, साथ ही इन गुणों को कर्मों में लाने की विधि भी बताई गई। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिल्पी ने सेवा केंद्र पर आकर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की अनुभूति करने के लिए सभी अधिकारियों को आमंत्रित किया। हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 26 स्थित नवनिर्मित सेवा केंद्र विश्व कल्याण भवन का शुभारंभ वैश्विक ज्ञानोदय द्वारा स्वर्णिम युग थीम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम से हुआ। इस कार्यक्रम को हाल ही में चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया था, जिसका उद्घाटन चंडीगढ़ के सेक्टर 15 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनीता, सेक्टर 46 की प्रभारी बीके पूनम और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर बच्चों द्वारा गीत की प्रस्तुति दी गई। वहीं बीके अनीता ने दिव्य गुणों को जीवन में धारण कर परिवार, देश व विश्व स्तर पर उसका उपयोग करने की बात कही। आगे बीके सुनीता ने उपस्थित सभी लोगों को राजयोग मेडिटेशन सीखने की प्रेरणा दी। युवा शक्ति को स्व के प्रति जागरूक करने के लिए यूपी में नोएडा के सेक्टर 18 स्थित अरेना एनिमेशन इंस्टीट्यूट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आत्म प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व सेना अधिकारी बीके सुषमा दिमरी ने इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को संबोधित किया और कहा कि आत्म प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जो कि तनाव से बचने और निर्धारित लक्ष्य को सहज हासिल करने में मदद करता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त किया, साथ ही सेवा केंद्र पर आकर राज्यों का प्रशिक्षण लेने की इच्छा जाहिर की। दिल्ली के पहाड़गंज सेवा केंद्र द्वारा 10 से 15 साल के बच्चों के लिए 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेडिटेशन, डिवाइन पर्सनालिटी, माइंड पावर, स्पिरिचुअल नॉलेज, 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई बीके सदस्यों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। साथ ही बच्चों को स्पष्ट किया गया कि हमारे संस्कार कैसे बनते हैं और उनका हमारी पर्सनैलिटी पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। वहीं प्रतिदिन एक सत्कर्म करने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। इसी क्रम में आगे न्यू फ्रेंड कॉलोनी में भी आयोजित दी आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग कार्यशाला में चाणक्य प्लेस से आए बीके संजीव ने सदा खुश रहने के कई उपाय बताए और साथ ही खुशी गायब होने वाले कारणों की ओर भी सभी का ध्यान खिंचवाया, जिसका 50 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। ये कार्यशाला कालकाजी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रभा के मार्गदर्शन में आयोजित हुई थी। इस दौरान बीके प्रभा ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। आगे कालकाजी के रघुनाथ मंदिर में श्रीमत की गहनता विषय पर भी कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर मोहित गुप्ता ने धरती को स्वर्ग बनाने में कैसे मददगार बन सकते हैं यह भी स्पष्ट किया। इस दौरान बीके प्रभा भी मौजूद थी। हरियाणा में बहादुरगढ़ के सेक्टर 17 स्थित शूज फैक्ट्री में कर्मचारियों को सदा खुश रहने के लिए बीके संदीप और बीके रूबी ने कई टिप्स दिए। इस दौरान अधिकारी समेत 100 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें अंत में ईश्वरीय साहित्य प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वृत्ति परिवर्तन अलौकिक जीवन की नींव विषय पर उसलापुर सेवा केंद्र पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें बीके अनुज ने राजयोग द्वारा कैसे अपनी वृत्ति और पुराने संस्कारों को परिवर्तन करें इसकी युक्तियां बताई, जिसका 300 से भी अधिक लोगों ने लाभ लिया। इस कार्यक्रम में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य वंदना भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया मुख्य रूप से उपस्थित थी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। योग का खुमार टोक्यो में भी छाया रहा। टोक्यो के ओकासा स्थित कंजाकी गावा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन शुमेकाई हॉल में बीके योको उमेजावा के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस मौके पर शुमेकाई मेंबर्स समेत 100 से भी अधिक प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। शारीरिक योग के साथ स्वयं की वास्तविक पहचान को जानने और अपने आंतरिक 7 गुणों को पुनर्स्थापित करने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आगे ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों द्वारा जैपनीज इंक आर्ट से बनाए गए वर्चुअल कार्ड्स और आध्यात्मिक बिंदुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका सभी प्रतिभागियों ने लाभ उठाया।
इंडोनेशिया में बाली की राजधानी देनपसार स्थित डायत्मिका स्कूल में समस्त स्टाफ के लिए राजयोग विषय पर विशेष 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूल के बिजनेस मैनेजमेंट के इंचार्ज लीलावती के निर्देशन में आयोजित हुई इस कार्यशाला को इंडोनेशिया में ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके जानकी ने संबोधित किया। इस कार्यशाला को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले ग्रुप में 40 और दूसरे ग्रुप में 30 कर्मचारी शामिल थे। इस दौरान 7 दिन के आध्यात्मिक कोर्स के साथ उन्हें राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं देनपसार के महेंद्रदत्त विद्यालय के छात्रों ने ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर का अवलोकन किया, साथ ही आध्यात्मिकता पर संक्षिप्त परिचय भी लिया। राजयोग मेडिटेशन सीखने की अभिलाषा से आए 300 से भी अधिक छात्रों ने सेंटर के दैवीय वातावरण में शांति और सुख की अनुभूति की। इस मौके पर बीके जानकी ने सकारात्मक सोच और मेडिटेशन के लाभों पर प्रकाश डाला, साथ ही युवा शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति बताते हुए अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। आगे सभी ने शिवलिंग दर्शन तथा राजयोग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हाल ही में मुंबई के वरिष्ठ मनोचिकित्सक, लेखक और ट्रेनर बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने मलेशिया का दौरा किया, जहां मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा ने उनका स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने एशिया रिट्रीट सेंटर में आयोजित इलनेस टू वेलनेस रिट्रीट में बीमारी से निजात पाने के लिए नए आयाम बताए और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की विधि से सभी को अवगत कराया। वहीं उन्होंने डायमंड हॉल और ARC के कैंपस में मैग्नेटिक योगा का प्रशिक्षण भी दिया। हेल्थ रिट्रीट के बाद उन्होंने कैंसर रेव में दी हीलिंग माइंड विषय पर चर्चा की, जिसमें 80 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 3F मतलब फेस इट, फुलफिल इट और फ्री द सेल्फ की तकनीक से बीमारी दूर करने की विधि बताई। इसी क्रम में आगे उन्होंने कुआलालंपुर में बीके सदस्यों के लिए आयोजित कार्यक्रम में संकल्प शक्ति की महत्ता को बताते हुए विचारों में परिवर्तन लाने पर जोर दिया। इस दौरान टीवी स्टेशन बेलनामा टुडे और सन न्यूज़पेपर ने उनका इंटरव्यू लिया। नारी शब्द में ही महानता, ममता, करुणा, मातृत्व और मानवता की कल्याणकारी वृत्तियों का समावेश है, जिसके कारण ही सृष्टि में संस्कृति का उत्थान और उत्कर्ष हो रहा है। इसी विषय पर चर्चा के लिए टेक्सास के डल्लास स्थित तपस्या धाम में विमेंस रिट्रीट का आयोजन किया गया। दी 4 फेसेस ऑफ विमेन थीम के अंतर्गत आयोजित इस रिट्रीट में मैक्सिको से आई बीके योलांडा ने सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विविध गतिविधियां भी आयोजित की गई थी। अंत में सभी प्रतिभागियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह रिट्रीट सभी के लिए एक यादगार रहेगी और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।